हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इजी लर्निंग। और केम और फॉलोवर का जो चैप्टर हमारा चल रहा है उसमें ये पार्ट टू है। तो पार्ट वन में हमने क्या देखा कि केम क्या होता है, फॉलोवर क्या होता है, उनके टाइप के बारे में देखा। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे टर्मिनोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। टर्मिनोलॉजी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे फिगर है, आप देख पा रहे हो कि ये जो रोलर फॉलोवर है वो कैसा है, रोलर टाइप है, और डिस्क टाइप का ये केम है। तो ये है कैम, ठीक है, और ये जो आउटर सरफेस है ये है कैम प्रोफाइल, ये है कैम प्रोफाइल, ओके। और ये जो है वो साफ्ट है, कैम साफ्ट जिसे आप कह सकते हो, ठीक है, कैम साफ्ट। और ये है रोलर फॉलोअर, ठीक है, और ये तो आप जानते होंगे, ये है गाइड। तो चलिए अब हम हमारी टर्मिनोलॉजी है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली डेफिनेशन हमें देखनी है कि कैम प्रोफाइल किसे कहते हैं। तो कैम प्रोफाइल क्या है वो देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैम प्रोफाइल क्या है। तो कंटूर ऑफ द कैम विथ विच द सरफेस ऑफ द फॉलोवर इज ऑलवेज इन कॉन्टेक्ट एंड इट ट्रांसमिट द रिक्वायर मोशन टू द फॉलोवर, ठीक है। तो कैम का जो पार्ट है, ठीक है, कैम का जो कंटूर है वो किसके साथ कॉन्टैक्ट में होता है, रोल फॉलोवर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे रोलर है, हमने यूज़ किया है रोलर फॉलोवर, तो रोलर के साथ जो कैम का जो कंटूर है वो कॉन्टैक्ट में होगा, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कैम प्रोफाइल, ठीक है। जो कैम प्रोफाइल क्या करेगा, जो मोशन है वो ट्रांसमिट करेगा फॉलोवर को, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ट्रेस पॉइंट किसे कहते हैं। तो ट्रेस पॉइंट क्या, एक थियोरेटिकल पॉइंट है जो होता है फॉलोअर पे, और जिसका यूज करके हम पीच कर्व को जनरेट करते हैं। पीच कर्व क्या होता है वो हम आगे देखने वाले हैं। तो ट्रेस पॉइंट का हम यूज करके पीच कर्व को जनरेट करते हैं। ये तो डेफिनेशन आपको बुक में लिखी हुई मिल जाएगी, लेकिन दूसरे तरीके से देखते हैं। तो ट्रेस पॉइंट क्या होता है कि ट्रेस पॉइंट की जो मूवमेंट होती है वो मूवमेंट डिस्क्राइब करती है फॉलोअर की मोशन को। तो ये जो पॉइंट है रोलर का जो सेंटर है वही हमारा यहाँ पे है ट्रेस पॉइंट, ट्रेस पॉइंट, ठीक है। यदि हमारा नाइफ फेस फॉलोवर होता, ठीक है, और ये सोच लो कि कैम है, तब हमारा ये जो पॉइंट होता वो होता ट्रेस पॉइंट, ठीक है। नाइफ फेस फॉलोवर होता और ये है कैम, तो ये जो इसका पॉइंट होता है वो हमारा हो जाता है ट्रेस पॉइंट। लेकिन यहाँ पे रोलर फॉलोअर में जो रोलर का सेंटर होता है वो हमारा होता है ट्रेस पॉइंट। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। तो ट्रेस पॉइंट क्या है, इट इज द पॉइंट ऑन फॉलोअर, फॉलोअर पे एक ऐसा पॉइंट होता है विच इज यूज टू जनरेट द पिच कर्व। ये डेफिनेशन आपके बुक में मिल जाएगी, लेकिन आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो कि एक्चुअल में यह क्या, द पॉइंट ऑन फॉलोअर, ठीक है, फॉलोअर पे एक ऐसा पॉइंट है मूवमेंट ऑफ विच, जिसकी मूवमेंट डिस्क्राइब द मोशन ऑफ फॉलोअर, ठीक है। इस कहने का मतलब ये कि ये देखो ये हो गया हमारा ट्रेस पॉइंट। अब जैसे ही ये जो कैम है वो रोटेट होगा, जो कि क्लॉकवाइज हो रहा है, ठीक है, रोटेट, तो रोटेट होगा तो क्या होगा कि ट्रेस पॉइंट अप एंड डाउन मूवमेंट होगा। तो उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि फॉलोअर की जो मूवमेंट होगी वो रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट होगी, ठीक है। अब जैसे कि ऑसिलेटिंग फॉलोअर की हम बात कर लेते हैं इस तरीके से, तो ये ठीक है इस तरीके से, तो ये ट्रेस पॉइंट होगा, तो ट्रेस पॉइंट की मूवमेंट कुछ इस तरीके से होगी। तो इसके हिसाब से कह सकते हैं कि ये जो फॉलोअर की मूवमेंट है वो कैसी है, ऑसिलेटिंग। तो ऐसा एक पॉइंट जिसकी मूवमेंट हमें ये बताएगी कि फॉलोअर की मोशन कैसी है, तो उसको कहते हैं ट्रेस पॉइंट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बेस सर्कल। तो बेस सर्कल जो है वो एक स्मॉलेस्ट सर्कल है विथ द सेंटर एट ए कैम साफ्ट, जिसका सेंटर कहाँ पे होगा, जहाँ पे कैम साफ्ट का जो सेंटर है वहीं पे, ठीक है। स्मॉलेस्ट सर्कल विथ द सेंटर एट ए कैम साफ्ट एक्सिस एंड टेंजेंशियल टू द कैम प्रोफाइल, एक छोटा सर्कल जो जिसका सेंटर कहाँ पे होगा, जो कैम साफ्ट का सेंटर है वहीं पे, लेकिन वो टेंजेंशियल होगा कैम प्रोफाइल के, ठीक है, इसके इनसाइड ही आएगा छोटा सा सर्कल। तो ये जो सर्कल होगा ये वाला एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन माफ कीजिएगा थोड़ी फिगर ऐसी है, ओके। तो ये जो सर्कल बना ये है बेस सर्कल, बेस सर्कल,
ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है कि स्मॉलेस्ट सर्कल विथ द सेंटर एट कैम शाफ्ट एक्सिस, जिसका सेंटर कहाँ पे, ये पॉइंट नोट कीजिएगा, जिसका सेंटर कहाँ है, विथ द सेंटर एट द कैम शाफ्ट एक्सिस एंड टेंजेंशियल टू द कैम प्रोफाइल, ये दोनों चीज ठीक है, सेंटर होना चाहिए कैम शाफ्ट के एक्सिस पे एंड टेंजेंशियल टू द कैम प्रोफाइल, उसको कहते हैं हम बेस सर्कल। तो बेस सर्कल आपको पता चल गया। अब बात करते हैं कि पिच कर्व किसे कहते हैं। तो हमने जी ट्रेस पॉइंट तो हमने देख लिया, ठीक है ट्रेस पॉइंट। अब जो क्या करेंगे हम, यहाँ पे लेंगे काइनेमेटिक इन्वर्जन। काइनेमेटिक इन्वर्जन क्या होता है कि एक्चुअल में ये जो है ये स्टेशनरी, मतलब ये मूव नहीं होता, ये अप एंड डाउन मूव होता है, लेकिन रोटेट यहाँ पे क्या होता है, ये जो हमारा कैम है वो रोटेट होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कैम को फिक्स कर देंगे और मोशन इसको हम रोटेट करेंगे फॉलोवर को, ठीक है। तो उसको कहते हैं काइनेमेटिक इन्वर्जन, ठीक है। हम यहाँ पे फॉलोवर को रोटेट करेंगे, कैम जो है वो रोटेट हो रहा था क्लॉकवाइज, तो काइनेमेटिक इन्वर्जन हम ले रहे हैं, इसलिए हम ये जो फॉलोवर है इसको हम रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। कैसे रोटेट करेंगे हम, इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, ये आपको याद रखना है। जब हम कैम का प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे उस वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है, कैम क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो फॉलोवर को हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो पिच कर्व की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, द पाथ ट्रेस्ड बाय द ट्रेस पॉइंट इज कॉल्ड पिच कर्व। जब हम मैं इस कैम को स्टेशनरी रखूंगा और फॉलोवर को ऐसे रोटेट करूंगा तो ये जो ट्रेस पॉइंट जो एक पाथ बनाएगा, ठीक है, ये जो पाथ बनाएगा उसको कहते हैं पिच कर्व। यह है पिच कर्व, पिच कर्व, ओके। तो डेफिनेशन यहां पे देख लीजिए आप, द पाथ ट्रेस बाय द ट्रेस पॉइंट, ठीक है, इज कॉल्ड पिच कर्व। उसके बाद करते हैं बात प्राइम सर्कल की। तो प्राइम सर्कल भी क्या होगा कि वो भी एक स्मॉलेस्ट सर्कल है विद द सेंटर एट कैमशाफ्ट एक्सिस, उसका भी सेंटर यही होगा, लेकिन वो अब टेंजेंशियल किसको होगा, पिच कर्व को, जो हमने ये पिच कर्व ड्रॉ किया उसको टेंजेंशियल होगा। एक ऐसा जो हमें छोटा सा छोटा सर्कल मिलेगा उसको हम कहते हैं प्राइम सर्कल। तो ये होगा हमारा प्राइम सर्कल, कुछ इस तरीके से। ये रेड वाला है हमारा प्राइम सर्कल, ठीक है। अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि यदि मैं यहां पे रोलर फॉलोवर की जगह पे नाइफ एज फॉलोवर यूज करता तो ये जो मेरा बेस सर्कल है वो और प्राइम सर्कल है वो दोनों आइडेंटिकल हो जाते। इसी तरीके से मेरा जो पिच कर्व है वो और कैम प्रोफाइल है वो दोनों आइडेंटिकल हो जाते, लेकिन मैं रोलर फॉलोवर यूज कर रहा हूँ इसलिए क्या हो रहा है, ये रोलर की जो रेडियस है उसकी वजह से वो दोनों इतने डिफरेंट आ रहे हैं। तो ये जो है ये है बेस सर्कल, सो आर बी, ये है बेस सर्कल, और ये जो है प्राइम सर्कल, सो आर पी, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ कि रेडियस ऑफ प्राइम सर्कल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ बेस सर्कल प्लस रेडियस ऑफ दिस रोलर, ठीक है, प्लस आर आर, ओके। सो प्राइम सर्कल की डेफिनेशन, स्मॉलेस्ट सर्कल विद द सेंटर एट कैम शाफ्ट एक्सिस, याद रखना है उसका सेंटर होना चाहिए कैम शाफ्ट एक्सिस पे एंड टेंजेंशियल टू द पिच कर्व, और जो बेस सर्कल था वो टेंजेंशियल टू द कैम प्रोफाइल था। तो ये दोनों सर्कल आपको समझ में आ गए, प्राइम सर्कल और बेस सर्कल, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं प्रेशर एंगल की, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्रेशर एंगल होगा क्या वो हम बात करते हैं। तो सोचो कि ये एक ऑफसेट फॉलोवर में लेता हूँ, ये हो गया कैम, ठीक है, इस तरीके से रोटेट हो रहा है, तो ये जो होगा ये ऑफसेट है, ठीक है, जिसको हम ई से बताते हैं, ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये इसका कॉन्टैक्ट पॉइंट, फॉलोवर की मूवमेंट तो इस तरीके से है, ठीक है, और यहाँ पे इस कॉन्टैक्ट पॉइंट से जब हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस तरह सॉरी यहाँ पे आएगा वो, ओके, और इस तरीके से पास होगा वो, जो नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे वो रोलर के सेंटर में से पास होगा, ठीक है। और ये जो एंगल बन रहा है इसको कहते हैं प्रेशर एंगल फाइ, ये है प्रेशर एंगल, प्रेशर एंगल मतलब कि
जो ये कैम प्रोफाइल है वहां पे किसी पॉइंट पे एक आप नॉर्मल ड्रॉ करते हो, कैम प्रोफाइल पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हो और उसी पॉइंट पे जो मोशन हो रही है फॉलोवर की, वो जो लाइन आप ड्रॉ करते हो और उन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको कहते हैं प्रेशर एंगल। ठीक है, डेफिनेशन देखो तो आपको अच्छे समझ में आएगा कि एंगल एट एनी पॉइंट ऑन पीच कर्व पे किसी भी पॉइंट पे एंगल होना चाहिए बिटवीन लाइन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोवर, फॉलोवर की जो लाइन ऑफ मोशन है, तो यहाँ पे फॉलोवर ऊपर नीचे मूव हो रहा था रेसिप्रोकेटिंग, तो ये लाइन ऑफ मोशन हो गई। ठीक है, एंड ये हो गया उस पॉइंट पे नॉर्मल जब हमने ड्रॉ किया जो रोलर के सेंटर में से पास होगा, और ये जो एंगल बना उसको कहते हैं प्रेशर एंगल। फॉलोवर एंड द नॉर्मल टू दैट पॉइंट ऑन अ पीच कर्व, और उस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना है पीच कर्व पे, तो जो एंगल बनेगा उन दोनों के बीच में उसको कहते हैं प्रेशर एंगल। ओके, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, सोचो कि यहाँ पे कोई पॉइंट ले रहे हैं, तो ये हो गया रोलर फॉलोअर की मोशन। ठीक है, इस तरीके से, और इस पॉइंट पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये आ गया नॉर्मल। तो ये है नॉर्मल, ठीक है, किस पे आया है नॉर्मल पीच कर्व पे, और ये जो है ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोअर है। ठीक है, ये है लाइन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोअर। ओके, और ये जो एंगल बना ये है अल्फा प्रेशर एंगल, प्रेशर एंगल। ओके, समझ में आ गया प्रेशर एंगल। ओके, अब बात करते हैं पिच पॉइंट। तो पिच पॉइंट क्या होता है, तो हमने जो प्रेशर एंगल डिफाइन किया, तो इट इज द पॉइंट ऑन पिच कर्व ऑफ हैविंग अ मैक्सिमम प्रेशर एंगल। पिच कर्व पे एक ऐसा पॉइंट जहां पे मैक्सिमम प्रेशर एंगल हो उसको कहते हैं पिच पॉइंट। ठीक है, तो मान लो कि भाई यही पे मैक्सिमम प्रेशर एंगल है। ठीक है, ये क्या है, मैक्सिमम प्रेशर एंगल है। ठीक है, प्रेशर एंगल, मैक्सिमम प्रेशर एंगल, तो ये क्या बन गया हमारा पिच पॉइंट बन गया, कि जहां पे मैक्सिमम प्रेशर होता है उसको हम क्या कहते हैं पिच पॉइंट। कहां पे होना चाहिए, पिच कर्व पे। उसके बाद बात करते हैं कि पिच सर्कल किसे कहते हैं, तो इट इज द सर्कल ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ कैम थ्रू द पिच पॉइंट। तो इसी को सेंटर मान के, जो कैम की शाफ्ट थी उसी को सेंटर मान के, उसके सेंटर से ही एक सर्कल ड्रॉ करो जो किससे पास होना चाहिए, इस पिच पॉइंट से, तो उसको हम कहेंगे पिच सर्कल। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। ओके, आगे देखते हैं लिफ्ट या फिर स्ट्रोक किसे कहते हैं, तो इट रिप्रेजेंट द मैक्सिमम ट्रैवल ऑफ फॉलोवर फ्रॉम द बेस सर्कल टू इट्स टॉप मोस्ट पोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फॉलोवर है वो बेस सर्कल को टच कर रहा है ये रोलर, तो यहाँ से लेके वो मैक्सिमम, यहाँ से स्टार्ट करो ये इसकी इनिशियल पोजिशन मान लो, और ये मैक्सिमम कितना अप जा रहा है, सोचो कि यहाँ तक ये रोलर जा सकता है, यहाँ तक ये जो पॉइंट है यहाँ तक जा सकता है, या फिर ये पॉइंट है तो फिर ये थोड़ा सा ऊपर आएगा, ये जितना पॉइंट ऊपर मूव हो सकता है उसको कहेंगे लिफ्ट या फिर स्ट्रोक। यहाँ से बात करें तो ये जो देखो बेस सर्कल से लेके और एक कैम प्रोफाइल तक, ये जो है ये एक्चुअली लिफ्ट है। ठीक है, लिफ्ट ये जो है वो लिफ्ट है, या फिर इसको आप स्ट्रोक भी बोल सकते हो। अब बात करते हैं कैम एंगल की, तो तीन तरीके के कैम एंगल होते हैं, एंगल ऑफ राइज, एंगल ऑफ ड्वेल एंड एंगल ऑफ रिटर्न। तो एंगल ऑफ राइज किसे कहेंगे, तो एंगल टर्नेड बाय कैम, कैम जितना भी एंगल बनाता है जिसमें फॉलोअर बेस सर्कल से लेके मैक्सिमम उसकी जो टॉप पोजीशन है वहां पे जाता है, उसकी जो मूवमेंट होती है मैक्सिमम, तो उसको कहेंगे हम एंगल ऑफ राइज। एंगल ऑफ ड्वेल किसे कहेंगे, तो एंगल टर्नेड बाय कैम जिसमें फॉलोअर की मूवमेंट नहीं होती। ठीक है, तो उसको कहेंगे एंगल ऑफ ड्वेल। एंगल ऑफ रिटर्न किसे कहेंगे, फॉलोअर मैक्सिमम पोजिशन पे तो पहुंच गया, मैक्सिमम टॉप पोजिशन पे, वहां से लेके नीचे आएगा उसके लिए जितना भी कैम रोटेट होता है, जो भी एंगल रोटेट होता है उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिटर्न। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चाहे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।